इस श्रीलंका सीरीज में तीन भारतीय खिलाड़ी पर काफी दबाव रहने वाला है। उन पर यह दबाव खुद को साबित करने का रहेगा। यही पर मौका रहेगा जिसमें वह शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन कमेटी बीसीसीआई और फैंस को अपना मुरीद कर सकते हैं। यह तीन प्लेयर स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, मिडल बैटर सूर्य कुमार यादव और युवराज तेज गेंदबाज उमरान मलिक। हार्दिक को पांड्या सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह रोहित शर्मा के अगले वनडे में कप्तान भी बन सकते हैं, जबकि T20 में हार्दिक को कप्तानी सौंपी दी गई है। सूर्य कुमार यादव को उपकप्तान बनाया गया है। पांड्या को रहने होगा 10 ओवर गेंदबाजी के लिए तैयार। हार्दिक के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी खुद को बतौर लीडर साबित करने की भी रहेगी। BCCI उन पर वनडे सीरीज में उपकप्तानी का बहार डाला है। ऐसे में उन्हें साबित करना होगा कि वह अगले कप्तान बनने को तैयार हैं और लंबे समय तक टीम इंडिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। हार्दिक पिछले 3 सालों से चोटों से जूझते रहे हैं। इस दौरान वह फिटनेस के कारण अंदर बाहर होते रहे हैं। उन्होंने 2020 के बाद सिर्फ 12 वनडे मैच ही खेले हैं। ऐसे में उन्हें अब यह साबित करना होगा कि वह 50 ओवर में फॉर्मेट में बतौर ऑलराउंडर लंबे समय तक बेहतरीन अंदाज में खेल सकते हैं। पेस बैटरी उमरन के लिए भी चुनौती आसान नहीं है। IPL में अपनी रफ्तार से दिग्गज समेत फैंस को घायल करने वाले उमरन मलिक को यह चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। सूर्य कुमार को वनडे में बल्ले का जोर दिखाना होगा। सूर्य कुमार यादव ने T20 फॉर्मेट में अपने को कुछ साबित करके दिखाया था। उन्होंने ऐसा शानदार खेल दिखाया कि BCCI ने उन्हें कप्तानी सौंप दी। सूर्य ने अब तक 16 वनडे मैच खेले हैं जिसमें से 32 की औसत से 384 रन ही बनाए हैं। इस दौरान सिर्फ 250 लगाई हैं।